हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? आए होंगे गाइस, आप लोग बड़े होंगे एंड गाइस बड़े ही रहना। तो गाइस आज हम आए थे ठाकुर द्वारा जो कि ब्लॉग बनाने के लिए। अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, और गाइस आके देखो कितनी भीड़ है। जान भाई भीड़ दिखाऊं तो गाइस आके भीड़ चेक करो, कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है। और इतने क्राउड में हम अपनी लैला को चला रहे हैं गाइस। लैला जो कि म्यूजिक नहीं चला रहा गाइस, पिछली बार कॉपी क्लेम आ गया था गाइस। म्यूजिक बंद करता हूँ पहले गाइस। अगर आप लोग कार चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, अगर आप लोग नर्वस हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं अपना लैला चलाता हूँ ना, तो मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं होता हूँ और अच्छे से मस्ती से चलाता हूँ। जितना आप नर्वस होगे उतना ही आप ड्राइव सही नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज़ को ड्राइव करोगे। और गाइस ड्राइव तो एकदम सेफली करते हैं। और फयान भाई अपने जस्ट बगल में बैठे हैं जो कि आप लोग देख ही पा रहे हो। फयान भाई शीशा खोल लो, शीशे में को दिखा दो। फयान भाई तो दिखा देंगे वाला, शीशा खोल के ना वो चेक करो गाइस। फयान भाई और मैं आज हम ड्राइव करने के लिए आए थे, तो फयान बोला था फोटो वोटो शूट करने के लिए चलते हैं। मैंने बोला ठीक है, लैला को लेते हैं और चलते हैं। और गाइस प्यार थोड़ा कम दिखा रहे हो, लाइक भी करा करो वीडियो को, लाइक भी करा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में थोड़े से सब्सक्राइबर बाकी हैं, वो 80 या 50 सब्सक्राइबर कम है, तो उन सब्सक्राइबर को करा दो गाइस जल्द से जल्द। 2K सब्सक्राइबर कराओ। और एक केक काटना है जो कि काफ़ी सोच रखा है सरप्राइज आप लोगों के। और गाइस आप आगे का थोड़ा सा व्यू चेक करो, कुछ देर आगे देखना गाइस कैसे चलती है गाड़ी। गाइस कार चलाने में भी कोई बात नहीं है, बस तुम ये दिमाग लगा लो कि गाड़ी हमारी कितने एरिया में चल रही है और कौन से गियर में चल रही है, कहां पर और कौन से गियर में नहीं। गाइस समझो जैसे बाइक चलाते हैं ना, बस ऐसी है। बस इसमें ये कंपेयर करना होता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि कौन से गियर में चल रही है, और ये पता कर लो सबसे मेन बात कि कितने एरिया में अपनी गाड़ी चल रही है, कि अपनी गाड़ी इतने एरिया में से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, बस इतनी ही। ये देखो भाई डिजायर वाले को देखो, इसको हमसे ज़्यादा जल्दी हो रही है, वैसे हमें तो नहीं हो रही है, हम तो फिलहाल मस्ती से चल रहे हैं। और गाइस सामने देखो आप कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ में अगर गाइस में नर्वस हो गया ना तो गाइस में गाड़ी नीचे चला पाऊंगा, क्यों? क्योंकि नर्वस में ना कुछ नहीं होता है। और गाइस आगे से अपने निकल रही है पुराना मॉडल डू, वो चेक करो वो खड़ी। गाइस यही है एक गाड़ी जो गाइस गाड़ी बंद हो चुकी थी, यही है ये KTM जो है ये बहुत प्यारी है गाइस। अब जो RC आ रही है उनमें कोई मजा नहीं आ रहा है गाइस, वो तो बहुत बेकार हो चुकी है। भीड़ देखो आप, भीड़ इसमें कैसे निकला जाए अब ये बताओ आप, कैसे निकला जाए। और पिछले वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो, मामा की गाड़ी से जब हमने ब्लॉग बनाया था, वो भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट करते रहो, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा हम कंटेंट बनाएंगे गाइस। ये मोटरसाइकिल वाले बहुत परेशान करते हैं, मैं क्या बताऊँ। तो अभी अपने फैजान भाई से गाइस अपने फैजान भाई से अभी जो है ना गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसको भी सिखा दूंगा। सीखने ये नहीं आए थे, थोड़ी सी देर हो रही है इसलिए घर जा रहे हैं, नहीं तो फयान भाई को ये ब्लॉग सिखा देते हैं। ब्लॉग बोल रहा हूँ, लैला अपनी चलानी सिखा देते, सिखाएंगे गाइस जरूर सिखाएंगे, लेकिन अभी इतनी भीड़ में तो नहीं चला पाएंगे, क्योंकि गाइस मैं भी ज़्यादा नहीं पांचवीं छठी बार अपनी लैला को चला रहा हूँ। लैला क्या वैसे भी सारी गाड़ियों को जितनी भी चलाएंगे छठी या सातवीं बार चला रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं चलाए। और देखो आप कितनी सेफली चला रहा हूँ मैं, मतलब कि मैं कहीं भी ले जाऊँगा कोई सी गाड़ी, कुछ भी दे दो गाइस। भैया ने सिखाई थी और भैया ने ही डर खत्म कराया, बोला है कि नर्वस नहीं होगा तो अच्छी चला पाएगा गाड़ी। गाइस तो नर्वस नहीं होता हूँ, मस्ती से चलते हैं। तो गाइस ये अपने ठाकुर द्वारा का अड्डा, जो कि यहाँ से हमारे गाँव के लिए जसपुर के लिए बसें जाती हैं, और बसें आप लोगों को दिख रही होंगी खड़े हुई, और मैं काफ़ी बकचोदी कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए बकचोदी जो है ना, मैं बकचोदी इसलिए करता हूँ, आप लोग देखो मेरा बकचोदी को, लाइक करो, चैनल पर लाइव भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो गाइस। ध्यान भाई कितने मिनट हो गए ब्लॉग, हो गया 3 मिनट गाइस, अभी तो बकचोदी और करते हैं थोड़ी सी। गाइस आगे देखो अल्टो कितनी प्यारी आ रही है, इस पे फोकस मारो फयान भाई। गाइस बकचोदी करते करते बहुत हो गई थी देर, और भैया का आ गया था फोन, बोला कहाँ पे है, मैंने बोला भैया फोटो शूट करने के लिए आया था, बोला ठीक है जल्दी आ मुझे कहीं जाना है। और गाइस अगर आप लोगों को वो एल्टो दिखी हो या नहीं दिखी हो, उसमें लाइव भी बड़े सेक्सी लग रहे थे, और ये बैठा अपने फयान भाई, ये मस्ती है फुल एंजॉय। और गाइस अभी हमें रुकना है आगे, क्योंकि हमारा दोस्त आ रहा है पीछे से, नदीम जो आप जानते हो, ब्लॉग में पता नहीं आया है जिन्हें नहीं आया है, वो आ रहा है, उसके साथ हमें थोड़ा सा वो पार्टी वार्टी करना है ना उसकी, उसके घर पास फंक्शन था तो हम वहीं से आ रहे थे, तो अभी वहीं पे जाएंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने की सोच रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो ब्लॉग को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके ठीक है।